अस्सलाम वालेकुम गाइस, नेस्ट एडमिन पैनल की तरफ से एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि आप अपनी प्रेफरेंस नेस्ट की कैसे चूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको udadmissions.nest.edu पे जाना होगा। उसके बाद जो आपको लॉग इन आईडी पासवर्ड दिया होगा उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास आपका होम पेज आएगा, उसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट प्रेफरेंस, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास आपका होम पेज आएगा एडमिशन फॉर्म, उस पर क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करके चूज प्रोग्राम पे आ जाएं और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट नेस्ट के मेरिट के हिसाब से चूज कर लें। अब मेरिट चेक करने के लिए आप अपना रोल नंबर टाइप करें और उसके बाद आपके रोल नंबर टाइप करने के बाद आपको कुछ मेरिट क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस नज़र आएंगी। और ये क्लोजिंग मेरिट पोजीशंस याद रखिए, ये वो मेरिट पोजीशन है जिस पर लास्ट टाइम इंजीनियरिंग का मेरिट एंड हुआ। तो यानी कि इनसे अगर आपका मेरिट नंबर ऊपर है तो आप वो चीज़ आराम से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका मेरिट नंबर 200 है तो आप मैकेनिकल अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपका मेरिट नंबर है 500 तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी सेकंड प्रेफरेंस लिस्ट पर रख सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी सारी फील्ड्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन मेरिट नंबर्स को मद्देनजर रखते हुए। मगर याद रखिए कि जो मेरिट पोजीशन है ये गारंटी नहीं दे सकती आपको एडमिशन की 2016 के सेशन में। ये मेरिट पोजीशंस आप सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और अपडेट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आएगी कि आपका अकाउंट सेव हो चुका है। उसके बाद आप लॉग आउट कर दीजिए और अपनी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।